तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बेसिकली मंजारो लिनक्स इंस्टॉल करने वाले हैं। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, वो थोड़ा फ़ैन चल रहा है, क्या बताएं, गर्मी लग रहा है थोड़ा सा। तो मंजारो लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, उसका ऐसे डाउनलोड करना है। कोई भी सर्च इंजन है आपको वहाँ पर टाइप करना है मंजारो, और बस वह आ जाएगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट। और ये फर्स्ट वाला जो है manjaro.org, और यहाँ पे ट्राई मंजारो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं बहुत सारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, तो इसमें से कोई भी डेस्कटॉप, यहाँ पे वीडियो है आप प्ले करके देख सकते हैं, कोई भी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपको जो भी पसंद है आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं एक तरीके से। XFCE उसके लिए है जो जिसके पास सिस्टम थोड़ा सा रैम कम है उसमें, ठीक है, उसके लिए XFCE। उसके बाद जीनोम KDE प्लाज्मा जनरली हम इंस्टॉल करने वाले हैं, KDE प्लाज्मा ही डेस्कटॉप बहुत फेमस है अभी मंजारो में। और ये जीनोम है, जीनोम बेसिकली उबंटू के साथ भी आता है जीनोम, तो ये बहुत हैवी डेस्कटॉप है, तो बहुत लोग नहीं करते हैं मोस्टली, लेकिन ये भी दे रखा है क्योंकि जीनोम बहुत फेमस है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत हैवी डेस्कटॉप है। उसके बाद मंजारो आर्किटेक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए जो एडवांस यूजर है, बेसिकली इसमें सारा CLI बेस्ड होगा, इसमें कोई भी ऐसा कुछ GUI बेस्ड नहीं होगा। तो इसमें आप कस्टम आपको जैसा मन है वैसा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्ट भी हम रहने देते हैं, हम डाउनलोड करेंगे बेसिकली KDE प्लाज्मा, वैसे हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आ जाइएगा। अगर आपके पास मान लीजिए पुराना लैपटॉप है, मतलब या कंप्यूटर है जो भी बहुत पुराना है, 10 साल पुराना है, तो यहाँ पे एक 32-bit वर्जन भी है, इस पर क्लिक करके बेसिकली क्लिक कीजिएगा तो ये आपको यहाँ लेके आएगा। यहाँ पे XFCE क्लिक करने के बाद ये बेसिकली आपको इधर लेके आएगा, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना है 8.0.4, और इसके बाद ये आपको यहाँ पे लेके आएगा। और यहाँ पे देखिए इसके फोल्डर में बहुत सारा है, ठीक है, तो ये ISO MD5 है, हैश है ये बेसिकली आप वेरीफाई करने के लिए, SHA हैश है, सब हैश है, ठीक है, और ये सब से आप वेरीफाई कर सकते हैं ISO को। और ये टेक्स्ट है बेसिकली, इसके बारे में होगा, आपको इस पर क्लिक करना है ISO पे, .ISO पे, उसके बाद ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। देखिए आ गया, और आप उसके बाद सेव कर दीजिएगा, क्लिक हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग को तो बेसिकली वहाँ पे 64-bit वर्जन करना है, तो यहाँ पे हम 64-bit वर्जन पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट डाउनलोड पे ले जाएगा। अगर आपके पास टोरेंट है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट डाउनलोड टोरेंट, तो डाउनलोड टोरेंट डाउनलोड कर देगा, टोरेंट फाइल .torrent करके, इसके बाद आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेक मी टू द डाउनलोड, और इसके बाद ये बेसिकली शुरू कर देगा डाउनलोड। रिकॉर्डिंग भी चेक करते रहेंगे कि चल रहा है कि नहीं, तो ये देखिए आ गया। और मेरे पास इसका ऑलरेडी ISO है, देख सकते हैं यहाँ पे होगा, देख सकते हैं मंजारो KDE 19.0.1 सेम है बेसिकली, अभी हम थोड़ी देर पहले डाउनलोड करके रखे हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं बेसिकली पूरे को। ये बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ना, ये वो कोई स्क्रीन डाउनलोड हो रहा है, यानी बहुत स्लो हो रहा है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट बहुत स्लो है। उसके बाद हम लोग वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखिए मंजारो हम ऑलरेडी भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, लेकिन हम इसको फिर से रिमूव कर देंगे, डिलीट ऑल फाइल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, याद रखिए आप सेम प्रोसीजर आपके रियल सिस्टम पे, वो अगर आप रियल सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल देंगे, आपको जो भी मन है वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं मैन डाल देते हैं, यहाँ पे लिनक्स रहेगा, और ये मैंद्रीवा 64 से लेके इसको जाके ARC64 कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मंजारो ARC बेस्ड लिनक्स है, तो ARC64 कर दीजिएगा। और यहाँ पे रैम हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, आर्टिस्ट नाम, और उसके बाद नेक्स्ट डायनेमिक, यहाँ पे डायनेमिक एलोकेट करने का मतलब है कि आप जैसे जैसे यूज कीजिएगा स्पेस, वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है जितना स्पेस है आपके सामने, और इसका फाइल लोकेशन हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा फाइल्स, और इसमें VMs इसमें सेव कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट कर देंगे। वैसे जनरली रियल सिस्टम पे इंस्टॉल करने का सेम प्रोसीजर है, ऐसा कोई अलग नहीं है, मतलब सेम प्रोसीजर, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कर देंगे बेसिकली, इससे होगा कि स्क्रॉल का फंक्शन इनेबल हो जाएगा, हम स्क्रॉल भी कर पाएंगे। डिस्क इनक्रिप्शन नहीं करना है। उसके बाद रैम, ठीक है, प्रोसेसर में हम इसको दो प्रोसेसर एलोकेट कर देंगे, मैक्सिमम फिजिकल प्रोसेसर जितना है आप में वही
एलोकेट कीजिएगा। अगर हाइपर थ्रेडिंग है तो इन्हें कि चार थ्रेड है तो चारों का चारों नहीं, मैक्सिमम दो है, दो पोर्ट्स है तो दो। इसके अगर एक्सेलरेशन में ये सब ठीक है, डिस्प्ले में इसको एकदम क्रैंक कर दिया जाए ऊपर तक। इन अगर 3D एक्सेलरेशन है आप में तो मतलब GPU है बढ़िया, तो 3D एक्सेलरेशन इनेबल कर दीजिएगा। और उसके बाद स्टोरेज में बेसिकली यहाँ पे कंट्रोलर IDE में आपको ISO सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप रियल सिस्टम में देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे है तो चूज वर्चुअल टूल डिस्पाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोकेट कर दीजिएगा फोल्डर यहाँ पे है, तो मेरा मंजारो पे क्लिक करके ओपन कर देंगे। एक बार याद रखिए अगर आप रियल सिस्टम पे कर रहे हैं तो आपको इसका USB बूटेबल USB बनाना पड़ेगा इस ISO का। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, रूफस डाउनलोड करना है। रूफस एक सॉफ्टवेयर है, हम दिखा देते हैं आपको रूफस, एक मिनट, ये रहा रूफस। रूफस डाउनलोड करके बेसिकली आपको यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। अरे कहाँ है, ये रहा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल है, ये बेसिकली आपके फाइल में जाइएगा जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, जैसे मेरे केस में ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये रहा 3.9। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मांगेगा, उसके ओके करने के बाद ये बेसिकली ओपन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक USB डिटेक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे आपका ड्राइव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ISO सेलेक्ट करके उसके बाद स्टार्ट कर दीजिएगा, ये फ्लैश कर देगा। उसके बाद फ्लैश करने के बाद आपको सिस्टम को पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाना है, और उसके बाद और उसी BIOS में जाके उसको F12 अगर आपका डेल है, F9 या F10 अगर आपका HP का है, और कहीं में ESC भी काम करता है, Escape बटन भी काम करता है, वो दबाते रहना है। तो उसके बाद आप सेलेक्ट कर पाएंगे आपका जो भी है USB से बूट करना है। उसके बाद बूट करने के बाद आपका वही प्रोसीजर होगा जो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम ये सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद बूट करना है उस USB से, तो जिससे हमें स्टार्ट करेंगे तो उससे बूट होगा, जैसे कि इससे बूट होना चाहिए, मतलब USB से ऐसे ही बूट होगा जैसे अभी बूट होगा, ठीक है। 7 मिनट हो गया है, ओके। यहाँ पे काली डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मंजारो सेलेक्ट कर देना है, स्टार्ट करना है। उसके बाद यह स्टार्ट कर देगा अपने आप, स्टार्टिंग वर्चुअल मशीन। रियल सिस्टम पे भी ऐसे ही काम करेगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए, आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो आपको यहाँ बूट पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। याद रखिए यहाँ पे ड्राइवर भी, अगर आपके पास USB में कोई ड्राइवर है तो आप वो ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है तो उसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, USB फ्री वाला ड्राइवर है, इसको बूट कर दीजिए, और ये अपना बूट करेगा। तो देख सकते हैं ये बूट कर रहा है, और ये ऐसे ही बूट करता है, ये ऐसे ही बूट करेगा, इसको बूट करने दीजिएगा, अपना पूरा बूट हो जाए। तो देख सकते हैं मेरा भयानक तरीके से वर्चुअल वर्क्स जो है सो 46% CPU यूज़ कर रहा है, 86% डिस्क, 3% यूज़ हो रहा है, 360% 13% मेमोरी, 38% यूज़ हो रहा है डिस्क में, डिस्क 1 यूज़ हो रहा है। ये मेरा बेसिकली हार्ड ड्राइव है जिसमें हम इसका ISO फाइल डाउनलोड किया, हम हार्ड ड्राइव में इसका ISO डाउनलोड कर, मतलब इसका डिफॉल्ट लोकेशन किया है, ठीक है। देखिए यूज़ कर रहा है डिस्क 1, डिस्क 0% यूज़ कर रहा है कि ये बूटेबल ड्राइव है मेरा, ये सिस्टम इसी में इंस्टॉल है, तो इसमें 0% है। तो बेसिकली ये SSD है तो थोड़ा फास्ट है, तो इसमें 0% दिखा रहा है, इसमें है भयानक 34% दिखा रहा है, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव है 901 TB का मतलब, और ये 6 GB रैम यूज़ कर रहा है। याद रखिए जितना GB रैम उसमें होगा वो एलोकेट कर लेता है अपने आप को, याद रखिए कि रैम होना चाहिए आपने पर्याप्त। 3.7 GB के कैसे है इसमें, मतलब वो मेरे में कैसे इनेबल है ना, तो इसलिए। उसके बाद CPU 92-88% यूज़ हो रहा है, CPU भयानक तरीके से यूज़ हो रहा है, देख सकते हैं CPU भयानक तरीके से यूज़ हो रहा है, जो भी है इग्नोर मारो उसको, और हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का आ गया, और यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसको थोड़ा सा हम जो है ना इसको अच्छा से स्केल्ड मोड कर देते हैं, ठीक है, ताकि पूरा चीज़ दिखे आपको, ओके। देख सकते हैं इसको स्केल्ड मोड करने का रीज़न था कि ये आपको साफ साफ दिखे, इसलिए ओके पूरा दिखे, फुल स्क्रीन इसका इसको काट देंगे, और ये लॉन्च स्टार्ट इसको नहीं करना है, उसके बाद क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल मंजारो लिनक्स पे क्लिक करना है,
तो बेसिकली यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। लैंग्वेज सेलेक्ट में हम अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देंगे क्योंकि मेरा अमेरिकन इंग्लिश कीबोर्ड है। तो उसके बाद लोकेशन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आपको नेपाल सॉरी कोलकाता। इसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली आपको सर्व आपके लोकेशन के लिए नहीं पूछता है, ये बेसिकली आपका सर्वर पूछता है किस सर्वर से आपका नज़दीकी कनेक्शन होगा। मतलब अगर आप कोई पैकेज डाउनलोड कीजिएगा तो उसी सर्वर से डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा यूएसए तो फिर स्लो डाउनलोड होगा, तो इसीलिए आप सेलेक्ट कीजिए नज़दीकी। यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट से थोड़ा सा अलग लेके हिंदी नहीं इंग्लिश इंडिया विद रूपी सेलेक्ट करते हैं। ये बेसिकली यूएस की वर्ड है, बस इंग्लिश। इसके बाद इंटायर डिस्क है, अगर आप पूरा पूरा चाहते हैं कि पूरा हार्ड ड्राइव ले लें तो इंटायर डिस्क पे सेलेक्ट करना है। नहीं, अगर आप मैनुअल पार्टीशन करना चाहते हैं तो मैनुअल, मोस्टली आदमी मैनुअल पार्टीशन करना चाहेंगे क्योंकि नहीं चाहेंगे कि उसका सारा का सारा डिस्क स्पेस इसी में आ जाए, तो हम मैनुअल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू पार्टीशन टेबल क्रिएट करना है, तो हम पार्टीशन टेबल में GPT सेलेक्ट करेंगे। GPT याद रखें कि GPT बेसिकली लिनक्स में ठीक रहता है, पता नहीं क्यों उसके साथ है। नया पार्टीशन टेबल सेलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर जाके क्लिक करके नया स्पेस। उसके बाद आपको यहाँ पे यही कुछ 100 MB के करीब स्पेस जो है सो इसको आपको है FAT32 में, और माउंट पॉइंट जो है सो यहाँ पे /boot, और याद रखिए यहाँ पे बूट पे टिक कर दीजिए। फ्लैग से बेसिकली ये दिखाएगा कि उसमें वो फ्लैट फ्लैग पार्टीशन है, ठीक है। उसके बाद फिर से अननोन पे क्लिक करना है, फिर से क्रिएट करना है न्यू, और इसको फुल रहने देना है, और इसको EXT4 करना है। अगर इंक्रिप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो इंक्रिप्शन हम अभी इंक्रिप्शन इनेबल नहीं करेंगे। माउंट पॉइंट एकदम रूट में, और उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, उसका रोके कर देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करके नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम, आपको फुल नेम जो भी है आप अपने सिस्टम का डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ABC डाल देंगे, ठीक है। और यूज़र नेम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे यूज़र नेम है, तो भी हम ABCD, और ये कंप्यूटर का नाम है वो हम ऐसे ही रहने देंगे। और पासवर्ड में भी हम ABC डाल देंगे, ठीक है, और रिपीट पासवर्ड में भी वही डालना है ABC। और इसको यहाँ पे दो तरीके का पासवर्ड है, एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है, ठीक है, और ये बेसिकली उस यूज़र का पासवर्ड है। अगर आपको पता होगा तो बेसिकली बहुत तरीके का यूज़र होता है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आपको नहीं जानकारी है तो सिंपल सा कीजिए कि इसको लॉग इन ऑटोमेटिक, यहाँ पे है यूज द सेम पासवर्ड एज एन, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कि यहाँ पे अभी क्या पूछा है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, वो डिफ़ॉल्ट होगा और उससे कोई ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके यहाँ पे ऑफिस सूट सेलेक्ट करना है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई भी ऑफिस, फ्री ऑफिस पसंद है या लिब्रा ऑफिस बहुत फेमस है, आपको जो भी पसंद है वो कर लीजिए। हम अपने केस में नो ऑफिस सूट के साथ जाएंगे, अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो लिब्रा ऑफिस, लेकिन हम कैजुअल अभी नो ऑफिस के साथ जाएंगे। उसके बाद ये वेरीफाई करेगा कि आपका दिखने के बाद पार्टीशन ऐसा हो जाएगा कुछ देर बाद, तो वेरीफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ डेटा वाटा तो नहीं है आपके हार्ड ड्राइव में। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिएगा, और ये बेसिकली इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ओके, ये देखिए FAT32, और उसके बाद ये पार्टीशन क्रिएट करने के बाद ये बेसिकली इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है। तो इंस्टॉलेशन होने देते हैं, ये कंप्लीट होगा उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बता दें, ठीक है, अगर आपके पास कभी भी बेसिकली मतलब मल्टीपल ड्राइव से एक बेसिकली एक सिस्टम में, तो हमेशा जो है सो सबसे फास्टेस्ट ड्राइव जो हो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिएगा। इसमें 0% यूजेज है, 233 GB का है, 0% यूजेज है, और इसमें 198% यूजेज है, ठीक है। और जो आपका स्लो ड्राइव हो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। पार्टीशन की बात नहीं कर रहे हैं, ड्राइव फिजिकल ड्राइव की बात कर रहे हैं। तो जितना सारा ड्राइव होगा उसमें अलग अलग तरीके में अलग अलग प्रोग्राम इंस्टॉल कीजिएगा ना, सबको एक साथ हिट कीजिएगा एकदम भयानक तरीके से, तो भी जो है सो डिस्क यूजेस कम बताएगा, देखिए 48% है, जबकि ये ड्राइव पूरा का पूरा 197% यूज़ हो रहा है फुल कैपेसिटी में, और ये 0% में। तो इसका रीज़न ये है कि बेसिकली ऑफकोर्स ये ड्राइव यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल हो उसको हमेशा जो है सबसे फास्टेस्ट ड्राइव में रखिएगा, और इसका स्पीड बहुत फास्ट है ये डिस्क जीरो का। अभी भी इसको बेंचमार्क करेंगे तो भयानक स्पीड देगा।
और यहाँ पे मैं दो चीज़ पिछड़ जाता है मेरे सिस्टम में। सब कुछ ठीक है, डिस्क ठीक है, मेमोरी भी ठीक है 16 GB, दो चीज़ पीछे अब रह गया है बस, एक GPU जो कि स्टॉक इंटेल HD ग्राफिक्स है और एक CPU। ये दोनों बस हमको कैसे भी करके इंक्रीज करना है। तो अभी एक साथ वर्चुअल मशीन चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो 41% यूजर्स, 43% CPU यूजर्स है और 8%, 9%, 10% GPU यूजर्स है। तो कैसे भी करके, वैसे एक्सटर्नल GPU लगाने का कभी सोच रहे हैं, होगा तो लगाएंगे। अभी तो देख लेते हैं हम लोग कहाँ हुआ है। और फिलिंग ऑफ फाइल सिस्टम यूजर्स के लिए अपना काम कर रहा है, सब कर देते हैं आराम से। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है, अब 92% हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। देखिए एक बात है कि आर्क बेस्ड कोई भी जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंस्टॉल करना थोड़ा सा टफ होता है, मतलब जो कभी पहले इंस्टॉल नहीं किए लिनक्स के लिए। और पहले वैसे नॉर्मली अगर आप नहीं कभी किए हैं लिनक्स इंस्टॉल, तो पहले शुरुआत कीजिए हमेशा किसी इजी ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे कि हो गया लिनक्स मिंट हो गया या फिर उबंटू हो गया। ये सब थोड़ा इजी है, ठीक है, ये सब इंस्टॉल करना भी इजी है, क्लिक 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 हो गया, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हो जाता है। आर्च बेस्ड या आर्च लिनक्स ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आर्च वैसे भी मोस्ट आदमी यूज़ नहीं करता, मतलब बहुत कम यूज़ करता है, लेकिन उसका फ़ायदा भी है कि वो उसमें आपको लेटेस्ट पैकेज मिल जाएगा, मतलब जैसे ही रिलीज हुआ वो मिल जाता है वहाँ पे। वो फुल एक्सपेरिमेंटल होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा और आपको फिक्स करना होगा अपने आप को, या आपको मदद नहीं करेगा एक्चुअली, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो एक बार 2 दिन लगा सिर्फ आर्च इंस्टॉल करने में, इतना प्रॉब्लम आता है भाई। तो इसमें अभी हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और जब ये रिबूट करेगा तो इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे कि ताकि आपको सभी चीज़ दिखे। इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, ऑल डन। ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके उसके बाद डन कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक ये स्टार्ट कर देगा। अब नाउ प्रॉब्लम इज़ कि हम इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे रहने देते हैं, अगर ये स्टार्ट कर दे तो ठीक बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। तो हमको वहाँ पे डिस्क सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए वहीं से बूट किया, अरे ये फिर से बूटेबल USB से बूट किया है, तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। अगर आप में अगर आप रियल सिस्टम में कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी आप चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए CPU यूजर्स कम हो गया, तो हम लोग वर्चुअल बॉक्स को फिर से ओपन करेंगे और इसमें सेटिंग्स में जाके वो जो ISO हम अटैच किए थे स्टोरेज में, ये वाला, इसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव अटैच, ठीक है, रिमूव हो गया, ओके कर देंगे। अब जाके स्टार्ट करेंगे, अब इसको स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहे थे केस क्या है, ठीक है, तो मेरे में केस इंस्टॉल है। ये डिस्क कैसे है, मतलब SSD का, हम जिसका SSD जिस कंपनी का खरीदे ना, उसमें सभी SSD कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो कैसे इनेबल कर देते हैं, तो उससे होता है कि आपको स्पीड जो है ना, राइट स्पीड बहुत बढ़ जाता है, 3000-4000 MBPS चला जाता है, बीट पर सेकेंड में। अगर यकीन ना हो रहा तो आपको थोड़ी देर में डेमो दे देंगे, ठीक है। स्विच ओके, इसको काटो, उसके बाद ये बूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम बूट होने देते हैं। ये थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन हो सकता है वर्चुअल बॉक्स में आए, रियल सिस्टम पे तो नहीं आएगा, वर्चुअल बॉक्स में मे भी हो सकता है, मे भी मोस्ट ऑफ द चांस है कि ब्लैंक स्क्रीन थोड़ी देर के लिए आएगा, एक्चुअली बैकग्राउंड में लोड कर रहा होता है, उसके बाद आपका नॉर्मली चलेगा जैसे चलना चाहिए, ठीक है, तो घबराइएगा मत कि मतलब कुछ आ नहीं रहा, तो कम से कम 15 मिनट ऐसे ही करके छोड़ दीजिएगा, तो अपने आप को उसके बाद खोल देगा, ठीक है, तो पॉज कर। हाँ, तो देख सकते हैं आ गया है, और 10 मिनट होने वाला है, तो हम इसको फिर से रिस्टार्ट, तो देख सकते हैं हमारा ये स्क्रीन खुल चुका है। अब हम इसको फुल स्क्रीन करके आपको हम पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं,
तो फुल स्क्रीन करने के लिए आपको सिस्टम में राइट वाला कंट्रोल और F दबाना है, ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हम ABC पासवर्ड डालेंगे, तो ABC पासवर्ड डालेंगे, तो ये खुल रहा है। ये जो है बेसिकली जो ये हमारा जो ये बेसिकली छोटा दिख रहा है ना, वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि हम लोग कर लेते हैं, तो तक हम लोग इसको नॉर्मल कर लेते हैं, थोड़ा सा फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही छोटा ठीक है। इसको नॉर्मल कैसे करें भाई, तो कहाँ गया वर्चुअल बॉक्स, ये रहा वर्चुअल बॉक्स में, ये भी रन कर रहा है, तो फिर नॉर्मल करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर डिस्प्ले में सेटिंग्स में जो है ना, सॉरी यहाँ पे प्रेफरेंस में, क्यों यहाँ पे डिस्प्ले में जाके इसको ऑटोमेटिक कर, ऑटोमेटिक इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे विड्थ और हाइट इतना जो है ना, इसको मैन्युअली आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, तो उसके बाद हो जाएगा। अभी फ़िलहाल रन कर रहा है, तो हम इसको इग्नोर मारते हैं, और तब तक हम इधर कंट्रोल करते हैं। देख सकते हैं ये हो गया बूट, और इसको हम क्लोज कर देंगे, और ये देखिए टनाटन चल रहा है हमारा बेसिकली, और ये सब एकदम टनाटन चल रहा है। और यार ये अपडेट इसमें है कि इसमें आप मैनुअली कर्नल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्च, चूँकि ये हमारा मंजारो आर्च पे बेस्ड है, तो इसमें, और ये गेमिंग के लिए भी बहुत बढ़िया लिनक्स एनवायरनमेंट है। इसमें स्टीम पहले से प्री इंस्टॉल होता है, ठीक है, स्टीम होगा कहीं पे पहले से, ये गेम्स है ना, तो गेम्स में इंस्टॉल होगा स्टीम पहले से इंस्टॉल होता है, तो आप कोई भी गेम रन कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। तो बहुत पहले हम काउंटर स्ट्राइक खेलते थे इस पर, मतलब आज से करीब छः महीना से ज़्यादा हो गया होगा, तो काउंटर स्ट्राइक इसी सिस्टम पर खेलते थे। 4GB RAM था उस समय, 4GB RAM था, हार्ड ड्राइव था। अब तो और बढ़िया चलेगा, लेकिन अब इसमें GPU नहीं है ना इसमें भी, तो यही सब है इसका एप्लीकेशन। इसमें यूटिलिटी में ये है डिस्क, इसका डिस्क वो क्या बोलते हैं, कहाँ गया डिस्क वाला, इससे आप बेसिकली कर सकते हैं इमेज राइटर है, मतलब इससे आप वो कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं ISO, लिनक्स ISO सिर्फ, विंडोज ISO काम नहीं करता है। विंडोज़ के लिए आपको वो USB करके आता है, WOE USB, और सेटिंग्स में देखिए ये सब सेटिंग्स है। इसमें पैकेज इंस्टॉल करना भी इजी है, सर्च करने के बराबर, सर्च की जगह आ जाएगा, लेकिन अगर सर्च करने पे नहीं आया तो फिर ठीक है, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। डेबियन में या उबंटू में होता है कि आपको अगर आप पैकेज नहीं मिलता, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में नहीं मिलता, तो आपको मैनुअली PPA ऐड करके उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है टर्मिनल से, तो यही है। ऑफिस यहाँ पे अगर लिब्रे ऑफिस किए होते तो वो यहाँ पे होता, अभी इसमें कुछ नहीं किया, तो मल्टीमीडिया में VLC इंस्टॉल है पहले से, ऑलमोस्ट सारा सॉफ्टवेयर्स है पहले से, मतलब क्या दिखाएं आपको इसमें, मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब हम कुछ समय तक इसको भी यूज़ किए हैं, बहुत समय तक यूज़ किए हैं, हम फिर इसको अनइंस्टॉल मार दिए, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए इसे हटा दिए। बहुत बढ़िया लिनक्स है, स्मूथ चलता है, देख रहे हैं ना, एकदम स्मूथ चल रहा है। देखिए इससे और इससे देखिए माउस पॉइंटर बस ऐसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मतलब एकदम यहाँ पे चेंज हो जाता है, इसमें घुस गए हैं। उसके बाद वैसे काम करता है, उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो फिर आपको पता है क्या करना है। इसके बाद बैटरी एंड ब्राइटनेस ये आपका सिस्टम वाला डिटेक्ट कर लेगा। आपको ये स्क्रीन का जो साइज़ अगर फुल करना है, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, इसको हम लोग पावर ऑफ कर देंगे, ठीक है। हम वहाँ पे जाके शट डाउन भी कर सकते थे, लेकिन हम मैनुअली किए क्योंकि उससे जल्दी हो जाता, वो एक तरीके से प्लग खींचने के बराबर है, कंप्यूटर का प्लग खींचने के बराबर, वहाँ से ऑफ करना। तो प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले है ना, तो इसको हिंट ऑटोमेटिक, उसके बाद नन, उसके बाद मैक्स, इसको हम लोग करेंगे 1366, नहीं इसको हम कर देते हैं क्या 1280, बारह सौ
और यहाँ पे 720 ओके अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, मे भी हो सकता है हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वैसे मेरे डिस्प्ले का थोड़ा रिजोल्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1300 कुछ है, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक हम आपको नमूना दिखा दिए कि आपका जिस डिस्प्ले का जितना भी साइज़ हो ना उसको वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। जैसे मेरे केस में डिस्प्ले सेटिंग्स में दिखा देते हैं आपको, मेरे में 1366x768 है, तो यही आपको वहाँ पे सेट करना था, ठीक है। ये आप सेट कर वहाँ पे डालते तो फुल स्क्रीन हो जाता, जैसे कि आपका उसको स्टार्ट होने देते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ ब्लैक स्क्रीन आता है मंजारो, पता नहीं क्यों, जब उबंटू पे सॉरी क्या कहते हैं एलिमेंट्री पे हम बेसिकली इसको इंस्टॉल किए थे मंजारो को वर्चुअल बॉक्स में, तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक काला काला आ रहा था, चल ही नहीं रहा था। एटलीस्ट इस पे चल रहा है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि उसका हार्ड ड्राइव स्लो था उस समय, तो इसलिए हो सकता है कि इसलिए टाइम लग रहा होगा और हम ज़रा टाइम दिए नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक बार देख लीजिएगा कि क्योंकि ये बैकग्राउंड में सामने में नहीं दिखा रहा होता है कि देखिए यहाँ पे माउस पॉइंटर चेंज हो गया, ठीक है, देखिए अब आ गया, तो ये बेसिकली दिखाता नहीं है। और यहाँ पे हम बीबीसी पासवर्ड दिखाएं तो रियल सिस्टम में जब भी दिखाता है, अगर आप अपने फिजिकल डिवाइस पर इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पर जाके हम अभी भी ये वही साइज है, क्योंकि अब एक और ट्वीक करना पड़ेगा इसके अंदर जाके। और अगर आपके पास VMware होता तो VMware का टूल जा रहा है कि इंस्टॉल करके किया जा सकता है, लेकिन VMware का पता नहीं लिनक्स में काम करता है या नहीं, लेकिन विंडोज़ में तो है कि लिनक्स के अंदर अगर आप विंडोज़ रन कीजिएगा तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप उसमें VMware इंस्टॉल करके उसमें आप मैनुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप जैसे चाहें वैसे उसका रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये बहुत सारा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग सेटिंग सर्च मारेंगे SESET। इसका सेटिंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो कभी भी इसका सेटिंग्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कस्टमाइजेबल डेस्कटॉप है KDE प्लाज्मा। इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, इसमें बहुत सारा कस्टम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो कस्टमाइजेबल बेसिकली है, तो इसमें अगर आप कुछ भी ज़्यादा गड़बड़ किए हैं तो लेते रह जाइएगा, मत कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। जितना जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। चाहते हैं कि माउस पॉइंटर ऐसा नहीं किसी और तरीके दिखे, तो जीनोम से ज़्यादा सॉरी हाँ जीनोम से ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, और जितना आता है भाई। और इसमें डिस्प्ले एंड मोनिटर्स, और यहाँ पे रिजोल्यूशन को हम बढ़ा के 1280x720 कर देंगे, ठीक है। 1280x720 कहाँ है, चलो 1100 करके देखते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट, फिर छोटा हो गया इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं, ठीक है। CTRL+F अब करके देखते हैं, ये ऑटोमेटिक छोटा कर दे रहा है, ठीक है, या तो ये छोटा कर रहा है ये, या फिर या तो ये छोटा कर रहा है या वर्चुअल बॉक्स बेसिकली इस पर इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से नया आदमी के लिए ठीक है, वैसे भी ये भी ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी इतना ही साइज ठीक है, वैसे सब कुछ चल जाएगा ऐसे में, और जो चाहें वो रन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें क्रोम खोल के दिखाते हैं फायरफॉक्स, इसमें थोड़ा सा फायरफॉक्स खुलने में टाइम लगेगा क्योंकि ये हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल है, तो हार्ड ड्राइव में स्लोली खुलता है, अगर SSD में होता तो धड़ाक से खुल जाता, लेकिन सिस्टम नहीं फंसेगा, चिंता मत कीजिए। इसको ऑफ कर देते हैं, देखिए क्रोम खुल गया, बेसिकली फायरफॉक्स क्रोम नहीं, और इसमें यूट्यूब खुलते हैं, मोस्टली आदमी किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेरिमेंटल कुछ काम करने के लिए यूज़ करेगा, बहुत कम आदमी है जो इसको एज ए फन के लिए मतलब कुछ यूज़ करेगा, पता नहीं यूट्यूब खुल नहीं रहा, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है क्या मेरा, हाँ लगता है कुछ प्रॉब्लम है भाई। तो उस समय हुआ था कि
रैम बहुत कम था, ठीक है, तो हम इसको रीस्टार्ट किए, इस बार रैम थोड़ा सा बढ़ा दिए। ऑफ कोर्स बात वही घूम फिर के आता है कि आपके पास रैम होना चाहिए सफिशियंट कोई वर्चुअल मशीन चलाने के लिए, तो इसमें हम रैम इंक्रीज कर दिए इस बार, देख सकते हैं इस बार 3740 MB कर दिए, मैंने ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर कर दिए, तो रैम होना चाहिए एटलीस्ट। इस बार ट्राई मारते हैं यूट्यूब खोलने का, इस बार खुल जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उस समय रैम डिफिशियंट था तो नहीं खुल रहा था, देखिए खुल गया। तो ऑफ कोर्स आपने रैम होना चाहिए, देखिए एकदम स्मूथली स्क्रॉल भी हो रहा है, तो रैम होना चाहिए आपने एटलीस्ट कम से कम कोई भी वर्चुअल मशीन चलाने के लिए। टास्क मैनेजर एक बार देख लेते हैं मेरा सिस्टम का क्या हाल है, तो देख सकते हैं CPU 33% 26% यूज़ हो रहा है, और मेमोरी देख सकते हैं 7.5 GB यूज, तो मेमोरी देख सकते हैं, डिस्क भी देखिए कम यूज़ हो रहा है, मतलब 2% यूज़ हो रहा है इसी में वर्चुअल मशीन, जैसे वर्चुअल मशीन चल रहा है। तो कुछ समय पहले तो जब SSD नहीं था मेरे पास, ये देखिए वीडियो प्ले भी होना शुरू हो गया, तो कुछ समय पहले तक जब मेरे पास SSD नहीं था उस समय भी हम हार्ड ड्राइव पे एक साथ तीन तीन वर्चुअल मशीन चलाते थे, और एक मेन OS भी चल रहा होता था, लेकिन उस समय विंडोज़ नहीं था समझे, उस समय लिनक्स के ऊपर चलाते थे, वो स्मूथ काम करता था, अभी थोड़ा विंडोज़ है ना इसको रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। हालांकि देखिए CPU सही है, एकदम सही जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, 11% GPU यूज हो रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना मंजारो, ये गेमर्स के लिए बनाया गया है, तो मतलब वैसे है नहीं मतलब कि एकदम गेमर्स के लिए, लेकिन हाँ गेमिंग के लिए इसमें है, कस्टमाइज है पहले से स्टीम, तो बाकी सब में आपको स्टीम मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो होपफुली अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, मिलते हैं आपसे किलोमीटर तक, जय हिंद जय भारत, पीस आउट।